प्रभु के नाम की स्तुति हो। इस संदेश को सुनने के लिए मैं आपका स्वागत करता हूँ। इसी तरह के बहुत सारे मेरे संदेश पोस्ट होते रहते हैं, उनमें से कोई भी संदेश मिस ना हो जाए उसके लिए आज ही एक काम कीजिए। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसके नीचे सब्सक्राइब नाम का एक बटन है, उसको दबा दीजिए। उसके बाद उसके बगल में एक और बटन है जो घंटी के चिन्ह से दिखाया जाता है, उसको भी प्रेस कर दीजिए, तो आइंदा हम कोई भी वीडियो पोस्ट करेंगे तो तुरंत ईमेल से उसकी सूचना आपको मिल जाएगी और आप कोई भी मैसेज या कोई भी संदेश मिस नहीं करेंगे। आज ही कर लीजिए। प्रभु आपको अपना अनुग्रह दें। हाँ, एक बात और, यदि आपके मित्रों में ऐसा कोई है जिनको इन संदेशों से आत्मिक प्रोत्साहन मिल सकता है तो उनको जरूर बताएं कि वे इस चैनल को जरूर देख लें। ये चैनल YouTube बार जे सी फिलिप या YouTube स्लैश जे सी फिलिप नाम से पहुंचा जा सकता है। प्रभु के नाम की स्तुति हो। प्रभु ने एक और मौका इस तरह से दिया, उसके लिए मैं प्रभु का शुक्रगुजार हूं। हम लोग हर संडे संडे शाम को, मेरा मतलब है, प्रभु यीशु के जीवन का अध्ययन कर रहे हैं, क्योंकि प्रभु यीशु के जीवन के अध्ययन से हमारे व्यावहारिक जीवन के बारे में बहुत सारी बातें प्रभु के वचन से, पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमको मिलती हैं। बृहस्पतिवार को अपन लोग थियोलॉजी की स्टडी कर रहे हैं, जो कि अपने आप में एक अलग कैटेगरी है। भाई रंजीत ने भी याद दिलाया, पिछले हफ्ते, पिछले संडे हमने देखा आज्ञाकारी राजा या आज्ञाकारी बादशाह, किसी राजा या बादशाह को दूसरे की आज्ञा मानने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब दुनिया के सृष्टा राजाओं के राजा, जो दुनिया के सबसे बड़े बादशाह है, जब संसार में आए तो एक महल में पधारने के बदले एक अस्तबल में पधारे, अनाउंस राजे महाराजाओं के बीच में करने के बदले गडरियों के बीच में किया गया। एक छोटे परिवार में भी लोग बच्चे के लिए अच्छा पालना अरेंज करने की कोशिश करते हैं, प्रभु यीशु को चरनी में रखा गया। इन सब का कारण पिछले हफ्ते मैंने आपको याद दिलाया था, प्रभु यीशु जब संसार में आए तो मनुष्य को जिस तरह से परमेश्वर की आज्ञा माननी चाहिए, प्रभु यीशु ने जीवन के हर पल आज्ञाकारिता का प्रदर्शन किया। 40 दिन फास्टिंग किया, आज्ञाकारिता का प्रदर्शन किया। फास्टिंग के बाद शैतान ने प्रभु की परीक्षा ली, लेकिन प्रभु ने पिता के प्रति आज्ञाकारिता का पालन किया या दिखाया। आज आगे बढ़ने से पहले एक प्रश्न मैं फिर से पूछना चाहता हूं, प्रभु ने यह सब मेरे और आपके लिए किया, इसके प्रति आपका रिस्पॉन्स क्या है? हाँ, हे प्रभु, ये सब तो होना ही था, ये है क्या हमारा रिस्पॉन्स? या हे प्रभु, ये तो अनहोनी बात है कि संसार के सृष्टा मेरे लिए इतना सब कुछ सह रहे हैं, और इस कारण हे प्रभु मेरी मदद कीजिए कि मैं पूर्ण समर्पण के साथ, आपके प्रति पूर्ण समर्पण के साथ अपने जीवन बिताऊं, ये है क्या हमारा रिस्पॉन्स? यदि ये नहीं है तो कहीं हमारे आत्मिक जीवन में कोई खोट है। आज मैं प्रभु के प्रति हमारी आज्ञाकारिता के बारे में कुछ बातें बताना चाहता हूं। प्रभु संसार में आए तब पिता के प्रति आज्ञाकारी थे, हम प्रभु के बच्चे, हमारे जीवन में प्रभु के प्रति आज्ञाकारी होना चाहिए। इसके लिए हम यूहन्ना की पत्री दूसरे अध्याय को खोल लेंगे। भाई गबर सिंह ऑनलाइन है, मैं बता दूंगा कि आप यूहन्ना 2 खोल लीजिए, कौन कौन से पद पढ़ने हैं ये मैं आपको बता दूं, बाकी सबको याद दिला दूं, प्रभु यीशु का जीवन 4
गॉस्पल्स या चार सुसमाचारों में बटा हुआ है, उसको चारों को कंबाइन करके एक क्रमबद्ध तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। तो कभी यूहन्ना से होगा, कभी लूका से होगा, कभी मरकुस से होगा, कभी मत्ती से होगा, लेकिन ये ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ये चारों गॉस्पल के इतिहास को बहुत सारे लोगों ने कंबाइन किया है। वो जो कंबाइन किया हुआ जो टाइम टेबल है या जो चार्ट है, उसके आधार पर मैं प्रभु यीशु के जीवन में जो घटनाएं हुई थी उनको एक एक करके आपके सामने रखना चाहता हूँ। ना केवल घटनाएं बल्कि प्रभु ने जो बातें सिखाई थी वो भी मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। भाई गब्बर सिंह, यूहन्ना के दूसरे अध्याय के 1 से लेकर 3 पद को जरा पढ़कर सुना दे। फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था और यीशु की माता भी वहां थी, और यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में नियुक्ति में गए थे। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा कि उनके पास दाखरस नहीं रहा। यीशु ने उनसे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम? पर्याप्त है भाई गब्बर सिंह, पढ़ के हमारी जो मदद कर रहे हैं उसके लिए मैं उनका आभारी हूं। और बहन कमल जी इन पदों को पोस्ट करती जा रही हैं, जो वाइड स्क्रीन पर देख रहे हैं वे लोग अपने स्क्रीन के बगल में चैट सेक्शन में इन पदों को देख सकते हैं। दोनों के प्रति मैं आभारी हूँ, भाई जो जोर से पढ़ के सुनाते हैं और बहन जो चैट सेक्शन में इसको पोस्ट करते हैं। ये सारे पद मैंने अपने सामने रखे हैं, लेकिन जब कंप्यूटर पर चैट सेक्शन में पोस्ट हो जाता है तो मुझे नीचे देखे बिना सीधे सीधे स्क्रीन में देखकर वे पद दिख जाते हैं। ये मुझे काफी इससे सुविधा मिल जाती है। दोनों के प्रति मैं अपना आभार व्यक्त करता हूँ। आज सबसे पहली बात जो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, प्रभु यीशु एक विवाह के लिए एक घर में गए। उस घर में जो घटना हुई ये हर मसीही जानता है। काना में जहां दाखरस की कमी हो गई वहां प्रभु यीशु ने क्या किया था इस बात को हम जानते हैं, लेकिन उससे संबंधित कुछ बातें कई बार हम अनदेखी कर जाते हैं। 11वें पद को जरा पढ़िए ब्रदर आप गब्बर सिंह, 11वां पद जरा पढ़कर सुना दीजिए इसी जी अध्याय सर का। जी। यीशु ने गलील के काना में अपना यह पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। कोई बादशाह जब किसी जगह जाता है तो बाकायदा बड़ा अनाउंसमेंट होता है। आजकल शहरों में बादशाह नहीं दिखाई देते, इसलिए हम में से कई लोगों ने इसे नहीं देखा है, लेकिन मैं जब स्कूल में पढ़ता था तब एक ऐसा युग था जब राजे महाराजाओं की बहुत चलती थी। और जीवाजी राव सिंधिया ग्वालियर में, देश स्वतंत्र हो गया इसके बावजूद लोगों के मन के महाराजा थे। जब वो जाते थे तो बाकायदा आगे आदमी ऐलान करते हुए जाता था। कोई बड़ा व्यक्ति होता है तो उसकी जो बड़ाई होती है या बड़प्पन है उसके हिसाब से अनाउंसमेंट होता है। आजकल राजे महाराजे नहीं है, लेकिन आजकल ये होता है। आपने नोट किया होगा कि बड़े बड़े अफसर लोग कहीं भी जाते हैं तो उनकी गाड़ी पर लाल बत्ती लगी रहती है। मंत्री लोग जाते हैं तो ना केवल लाल बत्ती लगी रहती है, उनके सामने पुलिस के जो पायलट ऑफिसर्स होते हैं वो जाते हैं और सड़क पर लोगों से हट जाने को बोलते हैं, हट जाओ मंत्री महोदय महोदय आ रहे हैं और उनके लिए रास्ता खाली करो। मैं हिंदुस्तान के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे प्रदेश में हूं जहां पर जनतंत्र में व्यक्ति के जो अधिकार हैं इन अधिकारों के बारे में लोग बहुत जागरूक हैं। यहाँ मंत्री वगैरह की उतनी नहीं चलती है जितनी अन्य प्रदेशों में चलती है, क्योंकि यहाँ
जनता जागरूक है और जनता का कहना है कि भैया हम तुमको नहीं चुनते तो तुम कैसे इस पोस्ट पर आते, इसलिए ज्यादा झाड़ो मत या ज्यादा दिखाओ मत। लेकिन इस तरह के एक स्टेट में भी जब कोई मंत्री जाता है तो बाकायदा उसके सामने दो तीन पुलिस वाले जाते हैं, पुलिस की गाड़ियां जाती हैं और लोगों को अनाउंस करते हुए जाते हैं कि मंत्री महोदय आ रहे हैं, सब लोग हट जाएं। तो इस बात को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि संसार में जब भी कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति आगे बढ़ता है तो उसके बारे में बहुत ज्यादा अनाउंसमेंट होता है, प्लस उसके साथ साथ वो व्यक्ति लोगों से कुछ बोलता है तो सबसे पहले अखबार वालों को खबर देता है। हम लोग अखबार पढ़ते हैं तब हम उसमें देखते हैं कि मंत्री महोदय ने, फलाने बड़े अफसर ने अखबार वालों के सामने फलाना बयान दिया। प्रभु यीशु के बारे में, प्रभु के वचन में हम क्या पढ़ते हैं, 11वें पद में हम देखते हैं यीशु ने गलील के काना में अपना यह पहला चिन्ह दिखाया। जरा सोचकर देखिए प्रिय भाइयों और बहनों, एक मनुष्य जब किसी बात को अनाउंस करता है तो 50 से लेकर 500 लोगों की भीड़ जुटाता है, बड़ा नाटक करता है, बड़ा आयोजन करता है और उसके बाद घोषणा करता है। राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु जब संसार में पधारे तो एक छोटे से गांव में, एक विवाह के फंक्शन में, जहां सिर्फ नाते रिश्तेदार आए थे, वहां पर उन्होंने अपनी घोषणा की कि वे क्या थे। 11वां पद जो हमने पढ़ा वहां लिखा है, यीशु ने गलील के काना में अपना यह पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की। दुनिया के छोटे मोटे मनुष्य जो 5 या 10 साल के लिए इलेक्ट होकर या चुनकर आते हैं, या कोई अफसर जो 10-20 साल के लिए अफसर के पोस्ट पर है, वो जब अपनी महिमा दिखाता है, वो कौन है जब इसको अनाउंस करता है तो उसके लिए बड़ी भीड़ जुटाता है। लेकिन राजाओं के राजा ने ऐसा नहीं किया। ये मैं फिर से याद दिलाना चाहता हूं कि प्रभु यीशु अपने जीवन में नम्र और दीन जो हुए, वो प्रभु की जरूरत नहीं थी, प्रभु की करुणा थी, प्रभु ने मेरे आपके लिए किया। इस बात को कभी ना भूलें। आत्मिक जीवन में घमंड के लिए, मैंने अपनी योग्यता से फलानी फलानी चीजें प्राप्त की, इस तरह से बोलने या सोचने के लिए किसी तरह का कोई स्थान नहीं है। नंबर 2, प्रभु ने एक विवाह में ये किया। क्यों? विवाह किस चीज को बताता है? विवाह परिवार को दिखाता है। और पूरी घटना को जब यूहन्ना 2 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं तब हम देखते हैं कि वहां परिवार ही परिवार का माहौल था। जिस तरह से प्रभु की मां ने जाकर प्रभु से बातचीत की, जिस तरह से प्रभु ने नौकरों को बुलाया, जिस तरह से भोज का जो मुखिया था वो दौड़ते 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 प्रभु के पास आया, ये सारी चीजें एक पारिवारिक माहौल को बताती हैं। तो सवाल यह है कि राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु ने अपनी महिमा पहली बार प्रकट करने के लिए, अपने चिन्हों को दिखाने के लिए एक जरा रुकिएगा। प्रभु ने अपनी महिमा को प्रदर्शित करने के लिए क्यों इस तरह का एक पारिवारिक फंक्शन चुना? इसके पीछे कारण है जो आज उपस्थित इस समय लगभग 73 से ऊपर परिवार एकत्रित होकर प्रभु के वचन को सुन रहे हैं। उन 73 परिवारों को मैं याद दिलाना चाहता हूं, मेरे प्रिय भाइयों, मेरी प्रिय बहनों, सर्वेश्वर
अपनी योजना को उसके क्रियान्वयन के लिए इस संसार में प्रभु को जो कुछ करना है उसके लिए परिवार का योगदान सबसे ज्यादा है। व्यक्तियों का योगदान होता है, चर्च का योगदान होता है, लेकिन परिवार का योगदान सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि एक बच्चा जब पैदा होता है, पैदाइश से लेकर प्रभु का वचन वो परिवार में सुनता है। प्रभु का वचन वो ना केवल परिवार में सुनता है, उसके अलावा एक मिनट, ना केवल प्रभु का वचन वो अपने परिवार में सुनता है, बल्कि उसके माँ बाप की जिम्मेदारी है कि वो उस बच्चे को प्रभु के पास लाए। मेरे साथ ऐसा हुआ, मुझे प्रभु का वचन, मैं जिस परिवार में था उसी परिवार में सुनाया गया, और मुझे उद्धार का संदेश मेरे फादर ने सुनाया, और मेरे फादर हैं जो मुझे प्रभु के पास लाए। यूहन्ना 3:16 बताकर उसकी व्याख्या करके उन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया कि मैं प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करूं। तो प्रभु की जो योजना है, प्रभु की जो शाश्वत योजना है, उसमें परिवार का रोल बहुत ज्यादा है, इसको हम कभी ना भूलें। और प्रभु यीशु ने परिवार में एक विवाह जीवन, एक विवाह के फंक्शन में जाकर अपनी महिमा जो प्रकट की, वो इस बात को याद दिलाता है कि प्रभु मेरे और आपके परिवार का उपयोग अपनी महिमा के लिए करना चाहते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बात मैं आपसे पूछूं, प्रिय भाई या बहन, आपको यकीन है क्या कि आपका परिवार हर तरह से प्रभु की महिमा के लिए समर्पित है? नहीं है तो पहला सवाल यह है कि समर्पित क्यों नहीं है। यदि एक मसीही परिवार है तो उसकी तो मुख्य जिम्मेदारी होनी चाहिए परमेश्वर के नाम की महिमा। जो भाई लोग हैं, जो परिवार के मुखिए हैं, उन लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, प्रिय भाई, एक परिवार का मुखिया होते हुए आप अपने परिवार को प्रभु की महिमा के लिए लीड करना आपके लिए जरूरी है, इस मामले में आप क्या कर रहे हैं? बहनें कहेंगी कि बच गए। जी नहीं, ऐसा नहीं है। एक घर में जो पुरुष है उसके समान ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है एक स्त्री की, कि वो अपने बच्चों को नियमित रूप से गाइड करे कि बेटा बेटी, हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए कि हमारे जीवन के द्वारा और हमारे परिवार के द्वारा प्रभु की महिमा हो। अच्छा, तो इसलिए प्रभु ने एक पारिवारिक सिचुएशन में प्रभु कौन है अपनी महिमा प्रकट की, किस तरह से की, इसके बारे में कुछ बातें मैं अब आपके सामने रखना चाहता हूं। आजकल तो शादी ब्याह में पहुंचते ही शरबत दिया जाता है, सॉफ्ट ड्रिंक दिया जाता है, बहुत कुछ दिया जाता है। ये सारी चीजें उस जमाने में नहीं होती थी, उस जमाने में प्रिजर्वेटिव नहीं हुआ करते थे, इसलिए एक ही पेय पदार्थ था जो बनाकर काफी समय रखा जा सकता था, और वो था अंगूरी शरबत। अंगूरी शरबत को प्रभु के वचन में अक्सर दाख रस भी कहा जाता है। मध्य पूर्व में किसी भी फंक्शन में अंगूरी शरबत को परोसना बहुत जरूरी था, और पानी के बदले ये परोसा जाता था। तो मध्य पूर्व में ये जो मैरिज फंक्शन है वहां पर लोगों को जब उदारता से दाखरस परोसा जा रहा था, तब एक घटना हुई। घटना क्या थी, सवाल यह है। साफ साफ प्रभु के वचन में लिखा हुआ है कि अंगूरी रस कम पड़ गया, खत्म हो गया। खत्म क्यों हुआ ये तो प्रभु का वचन नहीं बताता है। संभावना इस बात की है कि धनी परिवार था, और धनी परिवार होने के कारण पर्याप्त अंगूरी शरबत उन्होंने जुटा तो लिया, लेकिन गांव में जिस तरह से होता है सबको मालूम है कि खूब होगा, और इस कारण सबने जमकर अंगूरी शरबत का स्वाद लिया, अंगूरी शरबत खत्म। फिर क्या हुआ,
प्रभु की मां ने दौड़ के प्रभु के आके पास आकर बताया। तीसरे पद में हमने पढ़ के देखा था जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने प्रभु से कहा कि उनके पास दाखरस नहीं रहा। प्रभु ने माँ को पलट कर जो जवाब दिया था, कई बार हम उसकी गलत व्याख्या करते हैं ये सोच के कि प्रभु ने माँ को बहुत ही रफ तरीके से जवाब दिया, ऐसा नहीं है। लेकिन आज मैं उस पोर्शन की व्याख्या नहीं करने जा रहा, बल्कि ये आपके सामने रखना चाहता हूं कि प्रभु ने इस समस्या का हल कैसा निकाला। एक बात मैं फिर से याद दिलाना चाहता हूं कि शादी की पार्टी चल रही है, अचानक सब्जी खत्म हो गई, कैसी विकट स्थिति होगी। आप दौड़ के बाजार से सब्जी तो खरीद के नहीं ला सकते, पूड़ी खत्म हो गई, आप बाजार से दौड़ के पूड़ी तो नहीं ला सकते, बहुत विकट समस्या हो जाती है। प्रभु की मां ने जाकर प्रभु को बताया कि दाखरस खत्म हो गया है। यहां एक विशेष चीज हम देखते हैं, प्रभु ने इमीडिएटली क्या बोला, ये मैं आपके सामने पढ़कर नहीं सुनाना चाहता, जस्ट प्रभु के वचन से बताना चाहता हूं, जो जरूरी पद है उसको हम पढ़ेंगे। प्रभु ने क्या किया, प्रभु दासों को आज्ञा देने वाले थे। प्रभु की माँ को ये बिल्कुल डाउट हो गया था, माँ अपने बेटे का हृदय जानती है। माँ ने प्रभु के पास से जाते समय नौकरों से कहा कि प्रभु जो बोले उसको वैसा ही करना। प्रभु ने नौकरों को बुला के कहा कि देखो वो पत्थर के जो बड़े बड़े मटके रखे हुए हैं, ये पत्थर के मटके जब हम सुनते हैं तब हमको लगता है कि शायद छोटे छोटे मटके होंगे, लेकिन हिंदी बहुत साफ साफ बताता है कि एक एक मटके में दो दो तीन तीन मन पानी समाता था। एक मन का मतलब है 40 सेर, आज के हिसाब से कहा जाए तो 40 किलो। और ये चौथे पद में हम देखते हैं 6 मटके रखे थे और दो दो तीन तीन मन का मतलब है कि 80 से लेकर 120 लीटर पानी उसमें समाता था। प्रभु ने दासों से कहा कि वो जो मटके हैं उनमें पानी भर दो। एक बात बताइए, संसार के सृजनहार को यदि दाखरस खत्म हो गया तो जिन बर्तनों में दाखरस खत्म हो गया था उन बर्तनों में वे चाहे तो दाखरस प्रोड्यूस कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे। अपन पुराने नियम की दो घटनाएं याद कर लें, एक तो जब एलिया एक विधवा के पास गया तब उससे कहा कि मेरे लिए पीने के लिए कुछ ले आओ और एक रोटी और ले आओ, तो उसने कहा कि प्रभु मेरे पास सिर्फ एक वक्त की रोटी का आटा बचा है, मैं तो ये सोच रही थी कि उससे खाना खा के मैं और बेटा उसके बाद भूखे मर जाएंगे। एलिया ने क्या कहा, ले आओ। प्रभु ने क्या किया, जब तक अकाल रहा उस विधवा का जो पात्र है उसमें आटे की कमी ना रही। एक और घटना हम पढ़ते हैं जहां एक भविष्यवक्ताओं का चेला वो गुजर गया, परिवार के ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा था। प्रभु के दास ने कहा कि जितने बर्तन मिल सकते हैं सब ले आओ, और उसके बाद वो जो एक बरनी तेल है तुम्हारे घर में उसको इन सब में डालो। डालती गई सारे बर्तन भर गए और उसको बेचकर उसने सारा कर्जा चुका दिया। तो जो प्रभु एक बरनी में जो आटा है उसको इतने दिनों तक मल्टीप्लाई कर सकते हैं जितने दिन अकाल है, और वो प्रभु जो एक कुप्पी या एक बरनी तेल को 50 बर्तनों में डाल सके इतना मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उस प्रभु के लिए तो ये बहुत आसान था। जब माँ ने जाके कहा तो माँ से वो कह सकते थे कि जाइए और देख लीजिए कि वो जो बड़ी बड़ी कुपियां हैं जिसमें या बड़े बड़े मश्क जिसमें दाखरस रखा जाता है आप जाके उसमें देख लीजिए, प्रभु उसमें दाखरस बड़े आराम से पैदा कर सकते थे। लेकिन प्रभु ने ऐसा नहीं किया। इस प्रत्येक घटना में हम देखते हैं प्रभु ने नौकरों को आज्ञा दी कि वे लोग पानी भर दे, पानी भर दिया। उसके बाद प्रभु ने कहा कि ले जाओ और
सबको बांट दो। उन लोगों ने और प्रभु ने उसमें एक विशेष बात कही थी कि ले जाकर भोज के प्रधान को दो। उन लोगों ने ले जाकर भोज का जो प्रधान है उसको दिया तो उसकी तो आंखें फटी रह गई। उन दिनों लोग क्या करते थे कि शादी ब्याह में जमकर दाखरस पीते थे। इस कारण पहले तो अच्छा दाखरस देते थे, पी के चक जाते थे, तो उसके बाद सस्ती क्वालिटी का देते थे, क्योंकि हम खुद जानते हैं कि चक जाने के बाद मनुष्य को नहीं पता चलता कि अच्छा है या घटिया है। वो आदमी दौड़ता 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 दूल्हे के पास गया कि बाप रे, लोग तो पहले अच्छा देते हैं और फिर घटिया देते हैं, यहाँ पहले अच्छा दिया, पी के हम जब छक गए तो सर्वोत्तम तुमने परोसा। इसके लिए प्रभु ने किस चीज का उपयोग किया, सर्वोत्तम दाखरस बनाने के लिए किस चीज का उपयोग किया, यह मैं आपसे पूछना चाहता हूं। उस चीज का उपयोग किया जिसकी हमारे जीवन में प्रैक्टिकली कोई कीमत नहीं है, पानी। हम में से जिनका जो गांव में रहते हैं, जिनका अपना खुद का कुआं है, वो लोग जानते हैं जितना चाहे आप पानी निकाल सकते हैं। कुछ गांवों में सामूहिक कुआं होता है, वहां से भी आप जितना चाहे पानी निकाल सकते हैं, कोई पैसा देना नहीं पड़ता। मैं एक ऐसे इलाके में हूं जहां पर लगभग गांव में तो हर घर में कम से कम एक कुआं होता है। मैं शहर में हूं, यहां भी हमारे आंगन में कुआं है, किसी से पूछना नहीं पड़ता, पानी इतनी सस्ती चीज है। नल से पानी मिलता है तो भी पानी सबसे सस्ती चीज है, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। एक महीने में हजारों या 10,000 लीटर पानी खर्च करने के बाद कितना कम पैसा देना पड़ता है, 1 लीटर जो है कितने कम पैसे का पड़ता है। प्रभु ने उस पानी को लेकर सर्वोत्तम दाखरस में कन्वर्ट किया, जो हमें हमेशा याद दिलाना चाहिए कि प्रभु हम में से हमारे जीवन में सबसे सादा चीज लेकर उसको रूपांतर करके कई बार सर्वोत्तम चीज बना देते हैं। मैंने इसके पहले आपको याद दिलाया था फैनी क्रॉस्बी नाम की महिला के बारे में। 3 साल की उम्र में उसकी आंखों की रोशनी चली गई, लेकिन उसके अंधत्व का उपयोग प्रभु ने किस लिए किया, सर्वोत्तम गाने लिखने के लिए। आप सबको मालूम होगा, हम जो प्रभु के वचन से स्टडी करते हैं, न केवल हम, जो लोग करते हैं वो लोग कंकॉर्डेंस का उपयोग करते हैं। किसी भी एक शब्द को, जैसे अनंत शब्द है, देखना है कंकॉर्डेंस को खोल लीजिए, डिक्शनरी के समान होता है, अनंत पर पहुंच जाइए और अनंत शब्द प्रभु के वचन में जहां जहां उपयोग में आया है उसकी पूरी लिस्ट मिलती है। दुनिया का सर्वोत्तम कंकॉर्डेंस जिस आदमी ने बनाया था उसका नाम है क्रूडन। और यहाँ जो बाइबल स्कूल जा चुके हैं या जो बहुत सीरियसली बाइबल स्टडी करते हैं, उन सब ने क्रूडन्स कंप्लीट कंकॉर्डेंस का नाम सुना है। अलेक्सेंडर क्रूडन नाम का व्यक्ति मानसिक रूप से विक्षिप्त था, लेकिन मानसिक रूप से विक्षिप्त होने के कारण समाज से अलग थलग कट कर रहता था, और उस अकेलेपन का प्रभु ने इस तरह से उपयोग किया कि उस व्यक्ति के अकेलेपन के द्वारा प्रभु ने दुनिया को सर्वोत्तम कंकॉर्डेंस प्रदान किया। काना में भी प्रभु ने ऐसा किया। सर्वोत्तम दाखरस बहुत महंगा होता है, मतलब जो गेस्ट था उसकी भी आंखें फटी रह गई, लेकिन उस तरह के सर्वोत्तम दाखरस को बनाने के लिए प्रभु ने सबसे मूल्यहीन वस्तु का उपयोग किया। मेरे आपके जीवन में हम कभी ऐसा ना सोचें, मैं कुछ भी नहीं हूं, मेरी योग्यता कुछ भी नहीं है, मैं ना गा सकता हूं, मैं ना लेक्चर दे सकता हूं, प्रभु मैं तो अयोग्य हूं, ऐसा नहीं है। जो प्रभु दाखरस के बर्तन में दाखरस क्रिएट कर सकते थे, उस प्रभु ने पानी को सर्वोत्तम दाखरस में बदला, जो अपनी महिमा को प्रकट करने के अलावा इस बात का सूचक था कि प्रभु के लिए कोई भी चीज ऑर्डिनरी नहीं है, सादा नहीं है, मूल्यहीन नहीं है। प्रभु दुनिया की सबसे मूल्यहीन चीज को उठाकर सबसे मूल्यवान वस्तु बना सकते हैं। इस कारण
मेरे और आपके जीवन में ऐसी कोई चीज नहीं है जो प्रभु के लिए मूल्यहीन है। प्रभु का वचन सुनने वाले भाई बहनों में यदि ऐसा कोई व्यक्ति है जो अपने जीवन के बारे में इन दिनों बहुत अधिक फिक्रमंद है, प्रभु मैं ज्यादा पढ़ नहीं पाया, प्रभु मेरी अच्छी नौकरी नहीं है, प्रभु मेरे पास अधिक धन नहीं है, प्रभु मैं बहुत ज्यादा बुद्धिशाली व्यक्ति नहीं हूं, प्रभु मेरे हाथ में कोई कर कौशल नहीं है, प्रभु को दुनिया की सर्वोत्तम चीजें नहीं चाहिए। प्रभु ने ये नहीं कहा कि जाओ दाखरस खरीद के लाओ मैं उसको और अच्छा बना दूंगा। प्रभु ने समाज में जो सबसे सस्ती चीज है उसको लेकर सर्वोत्तम दाखरस में बदला। उस तरह से प्रभु मुझे और आपको लेकर सर्वोत्तम में बदलना चाहते हैं। लेकिन एक शर्त प्रभु ने ये किया एक विवाह में, जो इस बात को याद दिलाता है कि हम में से हर व्यक्ति के परिवार का बहुत ज्यादा उपयोग है, परिवार के अंगों को प्रभु के लिए उपयोगी बनाने के लिए। इस कारण आज जितने लोग सुन रहे हैं उनमें सभी पिताओं को मैं याद दिलाना चाहता हूं कि आपके परिवार का माहौल इस तरह का हो जिससे कि परिवार में हर व्यक्ति प्रभु के लिए उपयोगी बने, ये आपकी जिम्मेदारी है। जितनी माएं प्रभु का वचन सुन रही है उनको मैं याद दिलाना चाहता हूं कि परिवार के चाहे पिता हो या बच्चे हो, उन सब के जीवन को उपयोगी बनाने में मां का रोल बहुत ज्यादा होता है। मां यदि अपने आत्मिक जीवन में समर्पित ना हो, गंभीर ना हो, ये देखा गया कि 100% बच्चे प्रभु से दूर चले जाते हैं। बाप यदि थोड़ा बहुत लापरवाह हो तो भी कई बार बच्चे प्रभु की तरफ रहते हैं, लेकिन माँ यदि आत्मिक जीवन में लापरवाह हो, आत्मिक बातों को हल्के से लेती हो, आत्मिक बातों की नुक्ताचीनी करती हो, तो ये देखा गया है कि 100% बच्चे प्रभु से दूर हो जाते हैं। इस कारण जितनी बहनें इस समय प्रभु का वचन सुन रही हैं, मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि आपके परिवार का उपयोग प्रभु पानी को दाखरस में बदलने के लिए, आपके परिवार के अंगों को सर्वोत्तम मसीही विश्वासी बनाने के लिए प्रभु उपयोग में लाना चाहते हैं। जो बच्चे प्रभु का वचन सुन रहे हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं, प्रिय बच्चे, प्रिय बेटा, प्रिय बेटी, हम में से लगभग हर व्यक्ति को हमारे माँ बाप अपनी समझ के अनुसार सर्वोत्तम देने की कोशिश करते हैं, लेकिन बच्चों की आदत है कि वो माँ बाप को कुछ नहीं समझते। मम्मी आप नहीं समझती, पापा आप नहीं समझते, आपको नहीं मालूम। कई बच्चों की ये शिकायत रहती, उसको देखिए उसके पापा ने क्या दिलाया, मुझे मेरे पापा ने नहीं दिलाया, फलाने की मम्मी ने देखो उसको क्या दिलाया, मेरी मम्मी ने मुझे नहीं दिलाया। बेटा इस बात को याद दिलाना, याद रखना कि हमारा जीवन तुम्हारे दोस्तों के पास क्या है, तुम्हारी सखियों के पास क्या है, उसको उसके माँ बाप ने क्या दिया है वो मुझे भी मिल जाए, इसके आधार पर हमारा जीवन नहीं होता है। हमारा जीवन प्रभु इस आधार पर देखते हैं कि हम क्या हैं। जो प्रभु संसार के सृष्टा पानी को सर्वोत्तम दाखरस में बदलने में सक्षम है, सर्वशक्तिमान है, वे मेरे और आपके जीवन में जो हालात है उस हालात में हमको लेकर संसार के लिए सर्वोत्तम व्यक्ति बनाने के लिए प्रभु तैयार है। यह एक बात मैं याद दिलाना चाहता हूं, एक उदाहरण। हम लोग मोतियों के बारे में जानते हैं, बचपन से दादी माँ की कहानियां सुनते हैं कि एक राजकुमार था जो एक सर्वोत्तम मोती के पीछे गया और उसने इसको हराया, उसको हराया, दैत्य को हराया, राक्षस को हराया और फाइनली वो सर्वोत्तम मोती ले आया। तुमको मालूम है क्या कि ये मोती क्या है? मैं बच्चों से पूछ रहा हूं, तुमको मालूम है क्या कि ये मोती क्या है? प्रिय भाइयों और बहनों, आपको मालूम है क्या कि ये मोती क्या होता है? मोती जितनी बड़ी होती चली जाती है उसकी कीमत उतनी ज्यादा होती है, और एक सीमा के बाद मोती की कीमत हीरों से भी ज्यादा हो जाती है। मोती क्या होता है? बालू का एक टुकड़ा
मोती पत्थर का एक टुकड़ा होता है। एक्चुअली मोती या मोतियां पाई जाती है सीपी के अंदर। सीपियां उनके हाथ पैर तो होते नहीं है, वो कई बार अपने आप को यूं खोल खोल कर शिकार करने की कोशिश करते हैं। जब इस तरह से समुद्र के अंदर या नदी के अंदर सीपी अपने आप को खोल कर शिकार करने की कोशिश करती है तो कई बार बालू का टुकड़ा या पत्थर का टुकड़ा भी उसके साथ अंदर चला जाता है। सीपी के लिए वो बहुत ही ज्यादा दर्ददायी बात होती है। उसके मसल्स तो होते नहीं है जिससे कि बालू के टुकड़े को वो बाहर फेंक सके। इस कारण वो सीपी क्या करती है, उसके बदन में एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ प्रोड्यूस होता है जिससे उसको कोटिंग कर देती है उस बालू के चारों तरफ, उस दर्द देने वाली बालू के चारों तरफ कोटिंग करती जाती है, कोटिंग करती जाती है, कोटिंग करती जाती है। कुछ समय के बाद बालू का वो टुकड़ा जो उसको दर्द दे रहा है वो एकदम से स्मूथ हो जाता है, चिकना हो जाता है, इतना चिकना हो जाता है, इतना चिकना हो जाता है कि कुछ पूछिए मत, वो है मोती। मुझे और आपको प्रभु लेकर इस तरह से रूपांतरित करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं। काना में प्रभु ने इस बात को प्रदर्शित किया कि एक मसीही के जीवन में, एक मसीही परिवार में जिस बात की घटी है उस घटी को प्रभु दूर करना चाहते हैं और उस प्रक्रिया में सबसे मूल्यहीन वस्तु को लेकर सबसे मूल्यवान वस्तु के रूप में बदलना चाहते हैं। और इस तरह से बदलने के द्वारा प्रभु अपने नाम की महिमा प्रकट करना चाहते हैं। आपने कभी सोचा है कि जो भाई बहन आज प्रभु का वचन सुन रहे हैं उन्होंने इस बात को सोचा है क्या, आपका जीवन, आपकी पत्नी का जीवन, आपके बच्चों का जीवन, आपका परिवार प्रभु अपने नाम की महिमा के लिए यूज करना चाहते हैं, लेकिन यूज होने आप दे रहे हैं क्या, आप इस बात को समझते हैं क्या? अच्छा, अब देखें इसके बाद क्या हुआ। जब पानी को प्रभु यीशु ने सर्वोत्तम दाखरस में बदला तो वो पद हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि प्रभु ने अपने नाम की महिमा की या अपनी महिमा प्रकट की। जब एक साधारण व्यक्ति, एक साधारण विश्वासी अपने आप को प्रभु यीशु के हाथ में समर्पित कर देता है तो उसके जीवन के रूपांतर के द्वारा प्रभु के नाम की महिमा होती है। आज जितने लोग सुन रहे हैं सबको मैं याद दिलाना चाहता हूं, प्रभु के नाम की महिमा सिर्फ प्रभु के दासों के द्वारा नहीं होती है। आज जो 72 परिवार एक साथ इकट्ठे हुए हैं इनमें दो या तीन लोग हैं जो सबको दिखाई दे रहे हैं। एक तो भाई रणजीत सबको दिखाई दे रहे हैं, उनका परिवार सबने देखा, जिन्होंने गाना गाया उनको सबने देखा, जिन्होंने प्रार्थना की उनको सबने देखा, बाकी सभी लोग साइलेंटली अपने अपने घर पे बैठे हुए हैं, कईयों के तो इवन कैमरा ऑन नहीं है। इसका मतलब यह है क्या कि, अच्छा और मैं भी दिख रहा हूं आपको, इसका मतलब यह है क्या कि प्रभु के नाम की महिमा सिर्फ इन 4 या 5 लोगों के द्वारा होती है? जी नहीं, हम लोग जो पब्लिक मिनिस्ट्री कर रहे हैं हमारे द्वारा प्रभु के नाम की महिमा निश्चित होती है, लेकिन सिर्फ हम लोगों के द्वारा नहीं, बल्कि आज शांत रहकर बिना अपना चित्र, बिना अपना चेहरा दिखाए साइलेंटली जो 70 के करीब परिवार, मैं अपने आप को संख्या घटाकर बाकी संख्या बता रहा हूं, 70 के करीब परिवार जो प्रभु का वचन सुन रहे हैं उनमें से हर परिवार का उपयोग प्रभु अपने नाम की महिमा के लिए करना चाहते हैं। कैसे होगा यह सिर्फ आप जानते हैं, मैं नहीं जानता, भाई रणजीत नहीं जानते, सिर्फ आप जानते हैं कि आपके परिवार का उपयोग कैसे होगा। जिस तरह से परिवार की जरूरत को समझकर हो हल्ला किए बिना मरियम ने जाकर बहुत ही चुपचाप प्रभु को बताया, उस तरह से हमारे लिए जरूरी है कि हम जब कोई घटी या कमी हो जाती है तो चुपचाप जाकर प्रभु को बताएं।
भाई रणजीत जिस कॉलोनी में रहते हैं उस कॉलोनी की मुझे याद है, आज से 1-30 साल पहले मैं एक शादी अटेंड कर रहा था। तो शादी अटेंड कर रहे थे हम, दो पंक्तियों में बैठे हुए थे, तो एक बहुत ही बदमिजाज बूढ़ा आदमी मेरे सामने की लाइन में बैठा हुआ था। उसको कोई चीज पसंद नहीं थी। सब्जी आई तो चिल्लाने लगा, ये सब्जी है क्या, मेरे सामने ये सब्जी रखी जा रही है क्या। पत्तल में थोड़ा सा छेद निकल आया, चिल्लाने लगा कि छेद वाला पत्तल मुझे दे रहे हो, ढंग का पत्तल दो। ओहो, उस दिन तो खाने का स्वाद ही खराब हो गया। पानी के मामले में चिल्लाए, सब्जी के बारे में चिल्लाए, पूड़ी के मामले में चिल्लाए। पूड़ी वाला आया, उस पूछा कि पूड़ी दो क्या, पूछता क्यों है, डाल क्यों नहीं देता है। तो उसने 3-4 पूड़ियां डाली। अरे सिर्फ 3-4 पूड़ियां हैं कि तेरे पास, पत्तल भर के पूड़ियां डाल। कोई भी समस्या जब आती है, इवन समस्या ना हो तो हम उसको समस्या बना सकते हैं। प्रभु यीशु की माँ जाके सारी स्त्रियों से बोल सकती थी, अरे मालूम है यहाँ शादी है और इन्होंने तो दाखरस का इंतजाम ही नहीं किया है। हम में से हर व्यक्ति की आदत है हमारे स्वयं के परिवार में, दूसरों के परिवार में, विश्वासियों के जीवन में जानबूझकर हम हर चीज को घटी के रूप में देखते हैं और उसको जम के जो है ढिंडोरा पीटते हैं। प्रभु की माँ ने क्या किया, साइलेंटली जाकर प्रभु से कहा उनके पास दाखरस खत्म हो गया है। मेरे आपके जीवन में प्रिय भाइयों बहनों, इस तरह की बहुत सारी कमियां या घटियां हो सकती हैं। हो सकता है आपका बच्चा मन लगाकर ना पढ़ता हो। उसका मतलब ये नहीं है कि सुबह फाटक के बाहर खड़े होकर अपने बच्चे को डांटे, बच्चा अंदर है, डांट रहे हैं कि अबे ये जो सामने वाला बच्चा है इसके सामने तू क्यों नहीं पढ़ता है। लोग करते हैं कि जी हाँ करते हैं। मेरे बचपन में तो मेरे पड़ोस में एक सज्जन थे, वो बच्चों को डांटते फटकारते थे तो अभी सामने लाकर खड़ा करते थे जिससे कि 8-10 पड़ोसी लोग देख लें। ये आत्मिक जीवन का तरीका नहीं है। आत्मिक जीवन का तरीका यह है, समस्या यदि आपने देख ली, समस्या को यदि पहचान लिया, तो साइलेंटली बिना इधर उधर फैलाए साइलेंटली उस व्यक्ति के पास जाइए जिसके पास उसका उत्तर है। और जब उस व्यक्ति के पास पहुंचा दिया तो जाते जाते जिन व्यक्तियों के द्वारा उसका उत्तर आ सकता है उनको साइलेंटली बता दो कि क्या करना है। प्रभु की माँ ने दासों से कहा कि प्रभु तुमसे जो कहें वैसा करना है, और कोई डिटेल नहीं। प्रभु हम में से हर व्यक्ति का उपयोग अपने नाम की महिमा के लिए करना चाहते हैं, ये घटना हमें बताता है। तो जब हम प्रभु के पास जाते हैं, प्रभु हमारे जीवन की सामान्य बातों को लेकर जब असामान्य बना देते हैं, तो नंबर 1 उससे प्रभु के नाम की महिमा होती है। नंबर 2 उस परिवार की जो घटी थी, उस परिवार में जिस बात की घटी थी वो घटी पूर्ण हुई। हम में से ऐसा कौन व्यक्ति है जिसके परिवार में कोई ना कोई घटी ना हो। हर व्यक्ति के जीवन में हो सकता है बच्चा ढंग से ना पढ़ता हो सकता है कि बच्चे की संगत गलत हो। बहुत सारे पुरुष हैं जो अक्सर अपनी पत्नियों से कहते हैं कि अरे वो पड़ोस वाली को देखो, क्या चपाती बनाती है, क्या सब्जी बनाती है, वो वहां बनाती है और यहां मेरे मुंह में पानी आता है। पत्नी का जवाब होता है कि वो इतनी अच्छी थी तो उससे क्यों नहीं शादी कर ली। ये सब गलत बातें हैं, बिल्कुल गलत बातें हैं। हम में से ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसका जीवन परफेक्ट हो या जिसमें पूर्णता हो। प्रभु हमारी अपूर्णताओं का उपयोग अपने नाम की महिमा के लिए करना चाहते हैं। ये अगली बात हम इस घटना से देखते हैं। सवाल यह है कि हमारी अपूर्णताएं, हमारी कमियों घटियों का उपयोग किस तरह से प्रभु करते हैं? ये प्रभु की बात है। प्रभु किस तरह से करते हैं ये मैं नहीं बता सकता। मैं सिर्फ इतना बता सकता हूं प्रभु क्या वचन के आधार पर कि प्रभु हमारी कमियों घटियों का उपयोग करते हैं। कैसे करेंगे ये प्रभु के ऊपर है। लेकिन हाँ, प्रभु के वचन में इस बात के बारे में एक प्रॉमिस है। रोमियो की पत्री 8वें अध्याय के
28वें पद में हम क्या पढ़ते हैं, रोमियो 8:28 में हम देखते हैं कि हम जानते हैं कि जो उनसे प्रेम करते हैं, जो प्रभु की इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं, उनके जीवन में सब कुछ मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। कभी आपने पढ़ा है क्या, जो उनसे प्रेम करते हैं उनके जीवन में सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं, और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उनके लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। कौन है जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए? हम सब प्रभु की इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। हमारे जीवन में सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। आज मैं अपने जीवन से एक बात याद दिलाना चाहता हूं, हायर सेकेंडरी के बाद मेरी बहुत बड़ी इच्छा थी एरोनॉटिक्स में जाने की। उस समय एरोनॉटिक्स का बड़ा हो हल्ला था कि भैया एरोनॉटिक्स में चले जाओ तो ऐसी नौकरी मिलेगी पांचों उंगलियां घी में। जाना चाहता था, नंबर भी आ गए, मेरे कई साथी लोगों का एडमिशन भी हो गया। मैं जाना चाहता था बिरला इंस्टीट्यूट पिलानी में, वहां से बाकायदा सिलेबस वगैरह आ गया, देख लिया कि एडमिशन हो सकता है। लेकिन परिवार की आर्थिक परिस्थिति के कारण फादर ने कहा कि बेटा वहां जाकर पढ़ना तुम्हारे लिए असंभव होगा, तो इसलिए एरोनॉटिक्स में जाने के बदले मैं गया सीधे सीधे फिजिक्स में। आज सिर्फ आज ही नहीं, 40-30 साल की उम्र से मैं इस बात को रियलाइज करता हूं कि मैं नहीं जा पाया, ये प्रभु की इच्छा थी। क्यों? इसलिए कि प्रभु ने मुझे जिस फील्ड में सेवा के लिए बुलाया, उस फील्ड में जिस प्रकार के एजुकेशन की जरूरत थी, मैं जहां जाना चाहता था वहां ना जाने दिया प्रभु ने। उसके बदले मुझे एक ऐसे एरिया में भेजा जिसके द्वारा प्रभु अपने नाम की महिमा करना चाहते हैं। आज मैं प्रभु के प्रति बहुत आभारी हूं, प्रभु मैं जाना चाहता था वहां, आपने नहीं जाने दिया। क्यों? आपकी इच्छा मेरे जीवन में, मुझे आपने रोक रखा, उसके द्वारा मेरे जीवन में भलाई ही उत्पन्न हुई। फिर से मैं पूछना चाहता हूं प्रिय भाई और बहनों, आप में से कई लोग हैं जिन्हें अपने जीवन से बहुत शिकायत है, अच्छी पत्नी नहीं मिली, अच्छा पति नहीं मिला, बच्चे मिले तो वो भी ऐसे बच्चे की सारी दुनिया में ऊधम करते फिरते हैं, सारी अखबारों में नाम आ रहा है, नाटक हो रहा है, चर्च में जाते हैं। जरा थोड़ी सी तसल्ली रखिए, प्रभु किस तरह से उनका रूपांतर आपके द्वारा करना चाहते हैं इसको देखिए, किस तरह से आपका रूपांतर उनके द्वारा करना चाहते हैं इसको देखिए। जब तक हम इन चीजों को नहीं देखेंगे, जब तक मरियम के समान इस बात को नहीं पहचानेंगे कि जिस बात की घटी है उसकी पूर्ति सिर्फ प्रभु कर सकते हैं, हो हल्ला करने से कुछ नहीं होगा। उसी तरह से मुझे और आपको ये अच्छी तरह से समझना चाहिए कि हो हल्ला करने से कुछ नहीं होगा। प्रभु ने जो दिया है, प्रभु ने जिस बात को हमारे जीवन में आने की अनुमति दी है, उसके द्वारा प्रभु अपने नाम की महिमा किस तरह से करना चाहते हैं। एक चीज और मैं इस घटना के बारे में बताना चाहता हूं। इस घटना के द्वारा ना केवल प्रभु के नाम की महिमा हुई बल्कि एक परिवार की जरूरतें पूरी हुई। सिर्फ इतना ही नहीं, उन नौकरों को जिन्होंने फर्स्ट हैंड देखा था कि प्रभु ने क्या किया है, प्रभु की सामर्थ देखने का मौका मिला। बाकियों को तो धीरे धीरे बातचीत से खबर मिली तो पता चला, लेकिन उन नौकरों ने तो सीधे सीधे देख लिया था कि किस तरह से प्रभु ने काम किया है। एक बात और देखिए, इस एक सरल घटना, मतलब पानी को दाखरस में बदलने के द्वारा प्रभु ने कितने लोगों के जीवन में काम किया, या दूसरे शब्दों में कितने लोगों का उपयोग किया। नंबर वन, प्रभु ने अपनी माँ का उपयोग किया। माँ की उपस्थिति थी,
प्रभु ने अपनी महिमा के लिए मां का उपयोग किया। दास थे, प्रभु ने अपनी महिमा के लिए दास का उपयोग किया। चीफ गेस्ट जो था उसका उपयोग किया, जब वो दौड़ के गया कि भैया ये तो किस तरह का दाखरस है, तो फिर ढूंढना ढांढना पड़ा कि क्या हुआ है, तो वहां पर प्रभु के नाम की महिमा हुई। एक परिवार में हर व्यक्ति को प्रभु यूज करना चाहते हैं, हर व्यक्ति का रूपांतर करना चाहते हैं और हर व्यक्ति के द्वारा प्रभु अपने नाम की महिमा करना चाहते हैं। लेकिन आज क्लोजिंग में मैं एक और रूपांतर के बारे में बोलना चाहता हूं। यदि आज इस सभा में ऐसा कोई भाई या बहन है या ऐसा कोई बच्चा है जिसने प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण नहीं किया है, तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, आपके जीवन में जो सबसे बड़ा रूपांतर होना चाहिए वो है एक पापी से एक धर्मी के रूप में। रोमियो 6:23 याद दिलाता है, पाप की मजदूरी मृत्यु है, लेकिन प्रभु यीशु का वरदान हमारे प्रभु यीशु का वरदान जो है वो अनंत जीवन है। जिन्होंने भी नहीं पाया है उनसे मेरा अनुरोध है, आज कई प्रभु के दास उपस्थित हैं, अपनी मंडली में जो भी प्रभु का दास है या जो प्रभु के वचन को जानता है उससे जाकर पूछिए, एडवाइस पूछिए, वे आपको गाइड करेंगे। इतना ही नहीं, अब तो इलेक्ट्रॉनिक युग है, जो प्रभु के दास आज मौजूद हैं, आप यदि इलेक्ट्रॉनिकली उनसे संपर्क करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिकली वो आपको मदद करेंगे। नंबर वन, सबसे बड़ा रूपांतर जो प्रभु करना चाहते हैं वो एक पापी को धर्मी बनाने के लिए। लेकिन खत्म नहीं हुआ, आज जो 73 के करीब परिवार प्रभु का वचन सुन रहे हैं, इनमें से ज्यादातर लोग उद्धार पाए हुए लोग हैं। उद्धार पाए हुए लोगों को मैं याद दिलाना चाहता हूं, मेरे प्रिय भाई, जिस तरह से एक सीपी बजरी के एक टुकड़े को लेकर मोती में बदलता है, और जिस तरह से दुनिया का जो बेशकीमती हीरा है वो क्या होता है, हीरा क्या है, कोयला, कोयले और हीरे में कोई फर्क नहीं है, रासायनिक रूप से कोयला और हीरे एक ही चीज है, लेकिन कोयले के ऊपर जब भयानक गर्मी आती है, प्रेशर पड़ता है, तब वो हीरे में बदल जाता है। इवन कोहिनूर हीरा जो है वो क्या है, सिर्फ कार्बन है, सिर्फ कोयला है। प्रभु उस बजरी को, प्रभु उस कोयले को लेकर मोती के रूप में और हीरे के रूप में बदलते हैं। आज संध्या जो लोग प्रभु का वचन सुन रहे हैं उसमें से हर व्यक्ति को लेकर, जिस प्रभु ने प्लेन पानी को सर्वोत्तम दाखरस में बदला था, वे प्रभु आपके जीवन का रूपांतर करना चाहते हैं। लेकिन उसके पहले एक सवाल है, आप तैयार हैं क्या? दासों ने प्रभु की आज्ञा सुनी, आप प्रभु की आज्ञा अपने जीवन में सुनने के लिए तैयार हैं क्या? क्लोजिंग में हम में से हर व्यक्ति अपने आप को जांचे कि प्रभु मेरे लिए आपकी क्या इच्छा है, और इस प्रश्न का उत्तर जो प्रभु देते हैं, ये प्रश्न हर दिन पूछना जरूरी है, जो उत्तर देते हैं उसके अनुसार प्रभु की आज्ञाकारिता के द्वारा जो बादशाह हमारे लिए आज्ञाकारी बना, उस बादशाह की आज्ञाकारी बनकर हम अपने जीवन का रूपांतर प्राप्त करें। प्रभु के नाम की महिमा हो, प्रभु के नाम की स्तुति हो। यदि इन बाइबल स्टडीज को या इन संदेशों को आप नियमित रूप से सुनना चाहें, तो ये जो वीडियो आप YouTube पर देख रहे हैं इसके नीचे सब्सक्राइब नाम का एक बटन है, उसको आप दबा दीजिए। उसको जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो उसके बगल में घंटी का एक बटन और दिखाई देगा, उसको भी प्रेस कर दें, तो जैसे ही हम कोई भी वीडियो पोस्ट करेंगे वैसे ही YouTube तुरंत आपको ईमेल से सूचना दे देगा। इस तरह कोई भी वीडियो आप मिस नहीं करेंगे। एक काम और कीजिए, उसके साथ साथ अपने दोस्तों को ये बता दीजिए कि वे लोग इस चैनल पर आके हिंदी में प्रभु के वचन का नियमित रूप से अध्ययन कर सकते हैं। क्या मालूम आपके मित्र के जीवन में ये एक बहुत बड़ा सुझाव सिद्ध होगा। फिर से याद दिला दूं, इस वीडियो को सुनने के लिए मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं। नियमित रूप से सुनना ना भूलें,
और सब्सक्राइब और उसके बाद घंटी के बटन को प्रेस करना ना भूलें। प्रभु आपकी मदद करें। प्रभु के नाम की स्तुति हो।